देखिए, आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर झुनझुना दिवस मनाया है। नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं या पूरे देश को झुनझुना ही थमाए। नरेंद्र मोदी जी का एक भी कोई आप योजना बता दीजिए जो आम आदमी के हिस्से तक गया हो, आम आदमी के थाली तक गया हो, आम आदमी के पेट तक गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। अभी जो नज़ारा आप देख रहे थे ये 17 सितंबर 2019 का था। 17 सितंबर यानी कि देश के यशस्वी और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। पिछले साल बनारस के युवाओं ने बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था से तंग आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन झुनझुना दिवस के रूप में मनाया था, लेकिन इस बार पूरे देश का छात्र गुस्से में है। सुनियोजित तरीके से 1 सितंबर से अलग अलग दिन अभियान चला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 1 सितंबर, 5 सितंबर, 9 सितंबर के बाद अब 17 सितंबर पूरे देश भर के युवाओं ने 11 सितंबर से एक हैशटैग शुरू किया, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। यानी कि इस बार देश के युवाओं ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से हुई। दरअसल 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही। हालांकि लगातार युवा और देश का बौद्धिक वर्ग इस बात का आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात और उनका भांड मीडिया उनके मन की बात तो लोगों को खूब सुनाता है, लेकिन जनता के मन की बात क्या है ना ये भांड मीडिया सुनना चाहता है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कोई भी सिपहसालार सुनना चाहते हैं। तो मन की बात कार्यक्रम से शुरू हुआ डिसलाइक का खेल। उस समय भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख मालवी साहब ने कहा कि डिसलाइक विपक्ष की साजिश है, केवल 2% डिसलाइक ऐसे हैं जो भारत के युवाओं ने किए हैं, 98% डिसलाइक भारत के बाहर से हुए हैं। युवाओं ने अपने मुद्दे को दरकिनार करने की बात दिल से ले ली और गूंगी बहरी मोदी सरकार के कानों तक और भांड मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए प्लानिंग के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाया। जब ये वीडियो बना रहा हूं उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने उस लाइक और डिसलाइक की संख्या देखी थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर। एक खेल देखिए कि नीचे जब आप जाते हैं तो मन की बात प्रोग्राम के लिए जहां से अलग से एक स्लॉट बना हुआ है वहां एक हफ्ते पहले का मन की बात गायब है, लेकिन ढूंढने पर मिल जाता है। उसमें अभी की स्थिति यह है कि 4,57,000 लोगों ने जहां मन की बात कार्यक्रम को लाइक किया है वहीं 12,20,000 लोगों ने उसको डिसलाइक किया है। तो चूंकि मालवी जी ने कह दिया था कि ये विदेशों से हो रहा है डिसलाइक, तो छात्रों ने 5 सितंबर को अभियान चलाया हैशटैग 5:05 मोदी जी के स्टाइल में ताली थाली बजाने की अपील की। लाखों की संख्या में पूरे देश भर से छात्र सड़कों पर निकल आए और ताली थाली पीटने लगे। सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी की दूर दूर की बात है साहब, आज 2 करोड़ नौकरियां छीने जा रहा है। इस देश के युवा भीख मांगने के लिए रास्ते सड़कों पे उतर आए आज। इस प्रदर्शन को भांड मीडिया और मोदी सरकार ने इग्नोर करने का दिखावा किया, लेकिन हकीकत ये है कि इग्नोर कर नहीं पाए, इसलिए क्योंकि छात्रों का हुजूम इतनी बड़ी तादाद में था कि भले ही तथाकथित गुलाम हो चुकी मेनस्ट्रीम मीडिया ने कवरेज ना की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की भद्द पिट रही थी। इसलिए रेलवे ने आरआरबी का एनटीपीसी परीक्षा की तारीख घोषित कर दी, हालांकि वो संभावित तारीख थी। इस परीक्षा में 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। सोचिए कितने परिवार और कितने युवा इन नौकरी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 1 सितंबर को जो अभियान चलाया गया था हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स,
उस हैशटैग को पूरे विश्व भर में टॉप ट्रेंड में तीसरे नंबर पर आ गया था, फिर भी इस गुलाम मीडिया ने इग्नोर किया। लेकिन सरकार इग्नोर अंदर अंदर से नहीं कर पाई थी, यही वजह थी कि एसएससी ने सीजीएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए 4 अक्टूबर संभावित तारीख दी, एमटीएस 2019 के लिए 31 अक्टूबर संभावित तारीख दी और जेई जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट घोषित करने के लिए 21 सितंबर 2020 की संभावित तारीख दी। लेकिन छात्रों ने कहा संभावित नहीं, हमें तय तारीख चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। इसी वजह से 9 सितंबर 2020 को हैशटैग 9:09 चलाया गया। विपक्ष कुछ कुछ जाग चुका था, विपक्ष को समझ में आ गया था कि हमारे बूते का तो कुछ है नहीं, तो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उसी में शामिल हो लिया जाए। तो कुछ विपक्षी दलों ने भी 9 सितंबर को 9:09 के लिए अपने घर की बत्तियों को बंद करके कैंडल टॉर्च जितना उनको समझ में आया और जितना उनसे बन पड़ा इस अभियान में शरीक हुए। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को लखनऊ में लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया। आम आदमी पार्टी ने एक्टिव रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ नेता शामिल हुए छात्रों के इस अभियान में। कुल मिलाकर के छात्रों के इस प्रदर्शन ने मजबूर कर दिया विपक्ष को कि वो उनकी बात को सुने और उनके आंदोलन में शामिल हो। यूपीएसआई भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नकल मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसी बीच में 10 सितंबर को हरियाणा में मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठी चार्ज की। युवाओं का इससे जोश बढ़ा। किसी भी देश का नौजवान और किसान अगर सरकार के विरोध में सड़क पर उतर जाए तो सरकार हिलती ही हिलती है, भले ही वो दिखावे के रूप में इस बात को प्रदर्शित नहीं कर रही है कि उसको इस बात से कोई भी तकलीफ हुई है, लेकिन अंदर से मोदी सरकार पूरी तरीके से डरी और हिली हुई है। इस सरकार को और हिलाने के लिए इस बार देश के युवाओं ने फैसला किया हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अब 17 सितंबर को देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर, जहां एक तरफ भांड मीडिया गुलाम भक्त जय जयकार के शोर में बेरोजगारों की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ देश का नौजवान और युवा पूरी कोशिश करेगा कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इस गूंगी बहरी सरकार तक वो अपनी बात पहुंचा सके। चलते चलते मैं दिखाऊंगा कि पिछले साल यानी कि 2019 में बनारस के युवाओं ने झुंझुना डे किस रूप में मनाया था। लेकिन उससे पहले एक अपील करना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम सारे साथियों से जो कहते हैं कि कंगना रानावत को और अर्णव गोस्वामी ने देश के युवाओं के मुद्दों को ढक दिया है। उन्हीं में से तमाम सारे सोशल मीडिया के मेरे साथी जो सुबह से शाम तक सोशल मीडिया और इस भांड मीडिया को गाली देते हैं, वो जाने अनजाने इस एजेंडा सेटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर आप अपने मुद्दे लोगों के बीच में नहीं ले जा पाएंगे तो इन लोगों का केवल विरोध करके आप जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप भी टीआरपी के खेल में उलझे हुए हैं और आपको लगता है कि कंगना रानावत, अर्णव गोस्वामी, महाराष्ट्र, सुशांत राजपूत के मामले में भले ही विरोध में सही वीडियो बना करके आपको ज़्यादा व्यूअर्स मिलते हैं, तो माफ़ करिएगा, आप भी जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल 17 सितंबर को क्या होगा इसका इंतज़ार करिए, तब तक 17 सितंबर 2019 को क्या हुआ था वो देखिए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप देख सकते। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।